राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीना के इस्तीफे पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी पंडित उलझे हुए हैं। 35 दिन बीत जाने के बाद भी भजन लाल सरकार ने मीना का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, वो भी तब जब पिछले एक महीने से मीना ना तो सचिवालय जा रहे हैं और ना ही विधानसभा। इतना ही नहीं, मीना ने इस्तीफा वापस लेने से भी इनकार कर दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीना ने कहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन यानी 5 जून को ही मैंने इस्तीफा दे दिया था। इसके 20 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मिला, लेकिन उन्होंने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया। किरोड़ी लाल के मुताबिक मुख्यमंत्री से इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने के बाद मैंने ईमेल के जरिए 25 जून को इस्तीफा भेजा। किरोड़ी ने इस्तीफा क्यों दिया? सियासी गलियारों में इसके दो कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें एक आधिकारिक है तो दूसरा अनाधिकारिक। किरोड़ी लाल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में उन्होंने दौसा टोंक समेत 7 सीटों पर चुनाव जिताने का जिम्मा लिया था, लेकिन यहाँ की सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई। किरोड़ी के गढ़ दौसा में बीजेपी बुरी तरह हारी। इसी की जिम्मेदारी लेते हुए मीना ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी। किरोड़ी के इस्तीफे का दूसरा एंगल भी है। इसके मुताबिक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम का पद मिलेगा, लेकिन किरोड़ी को सिर्फ कैबिनेट मंत्री का दर्जा भर दिया गया। विभाग भी कृषि जैसे दिए गए, जो राजस्थान में टॉप विभाग में शामिल नहीं है। 2007 में किरोड़ी लाल मीना ने जब इस्तीफा दिया था तो उसे स्वीकार करने में 7 दिन से भी कम का वक्त लगा था, लेकिन इस बार 35 दिन बीत जाने के बाद भी उनका इस्तीफा बीजेपी सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि मीना का इस्तीफा बीजेपी सरकार स्वीकार नहीं कर पा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की 5 सीटें रिक्त हुई हैं, जहां कुछ महीने बाद उपचुनाव कराए जाएंगे। जिन सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित है उनमें दौसा, झुंझुनू, 84, खीवसर और देवली उनियारा शामिल है। इनमें से 2 सीट दौसा और देवली उनियारा मीना बाहुल्य है। किरोड़ी लाल मीना का इन दोनों ही सीटों पर प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के जरिए वापसी करने की है। ऐसे में उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार मीना का इस्तीफा स्वीकार कर यहां कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक किरोड़ी लाल मीना की मान मनोवर जारी है। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीना को मुखर राजनेता माना जाता है। हाल ही में सरकार में रहने के दौरान उन्होंने विभाग से जुड़े 2 चिट्ठी लिखकर सरकार में हड़कंप मचा दिया था। कहा जा रहा है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया तो आने वाले दिनों में भजन लाल सरकार की ओर किरकिरी करा सकते हैं। मीना गहलोत सरकार के वक्त रातों रात मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर देते थे। पूरी सरकार में सबसे ज़्यादा सड़क पर लड़ते मीना ही दिखे थे। राजनीतिक तौर पर भी मीना काफ़ी मजबूत है। 2013 में जब वे नई पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पार्टी को राजस्थान की 4 सीटों पर जीत मिली थी। मीना के 11 उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। 2013 के चुनाव में मीना की पार्टी को 13 लाख से ज़्यादा मत मिले थे। करीब 100 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को 5,000 से लेकर 65,000 तक वोट मिले थे। ये पहली बार है जब राजस्थान की बीजेपी सरकार में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। पिछली बार जब वसुंधरा राजे की सरकार बनी थी तो उस वक्त गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेता विधानसभा में सरकार के संकट मोचक थे, लेकिन इस बार किरोड़ी को छोड़कर कोई भी फायरब्रांड अनुभवी चेहरा नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी, गोविंद डोटासरा, शांति धारीवल जैसे दिग्गज नेता सदन में हैं। ऐसे में किरोड़ी अगर सरकार से बाहर हो जाते हैं तो आने वाले वक्त में कई मुद्दों पर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।